वैसे रियलमी वन का रिव्यू तो मैंने कर दिया है और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है और अब भी पूछ रहे हैं कि ये जो रियलमी वन हैंडसेट है 3GB वेरिएंट वाला, क्या इसमें रैम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको रैम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। बड़ा इशू है और बड़ा सस्पेंस भी है, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है Realme One स्मार्टफोन। दोनों ही हैंडसेट्स मेरे पास है, मतलब कि दो कलर वेरिएंट्स, और ये दोनों ही वर्जन जो है इसमें 3GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3GB वेरिएंट है, 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है और अब भी पूछ रहे हैं कि ये जो Realme One स्मार्टफोन है, क्या इसमें रैम मैनेजमेंट का इशू है या नहीं। चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको रैम मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैंने हार्डकोर प्रोग्रामिंग भी की है। ये जो रैम मैनेजमेंट है, ये बेसिकली करता क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिवाइस पर, जो भी रैम है उसे एक पर्टिकुलर लेवल पर फ्री रखता है। उससे जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, लैग नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है रैम मैनेजमेंट। रैम मैनेजमेंट में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो खास चीज़ ये करता है वो ये है, जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये जो रैम मैनेजमेंट है उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। उससे क्या होता है कि जो फ्री स्पेस है, रैम का जो फ्री स्पेस है वो बढ़ जाता है, तो सिस्टम और भी स्मूथ हो जाता है, और अगर आप कोई नया एप्लीकेशन लोड करेंगे तो जल्दी लोड हो जाता है। मैं एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, अभी कितना फ्री रैम होना चाहिए, कितना फ्री रैम नहीं होना चाहिए, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी सिस्टम होता है वो रैम अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। और दूसरी बात, एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए रैम बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि रैम मैनेजमेंट ख़राब है। कभी कभार एक्स्ट्रा रैम का भी उपयोग किया जाता है सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए। एंड्रॉयड सिस्टम बहुत ही केपेबल है, बहुत ही बढ़िया रैम मैनेजमेंट करता है, इसलिए मैं रैम मैनेजमेंट के बारे में कभी भी बात नहीं करता हूँ। और वैसे भी जो यूज़र होता है उसे हैंडसेट खरीदना है, हैंडसेट बनाना थोड़ी है, प्रोग्रामिंग थोड़ी करनी है। अब जितने लोग भी रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा करके कोई ना कोई बड़ा गेम को साथ में दिखाते हैं। अब काफ़ी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इंडिया में जो गेम्स खेलते ही नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो Realme One स्मार्टफोन है 3GB वाला, इसमें रैम का इशू है या नहीं। मैंने काफ़ी एप्लीकेशंस को लोड कर दिया है और अब मैं एक और एप्लीकेशन को लोड कर रहा हूँ, और वो है ये गेम, ये है एसपॉट 8 गेम। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मैसेज आ गया है, इसे फ़िलहाल मैं इग्नोर कर देता हूँ, और ये देखिए जो गेम है इसे मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। ये जो हार्डवेयर है काफ़ी पावरफुल है और बढ़िया गेम खेल सकता है। रैम मैनेजमेंट, जब कभी रैम मैनेजमेंट की बात आती है तो अक्सर जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत सारे एप्लीकेशंस को लोड करते हैं और फिर कुछ गेम खेलते हैं और फिर चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में था वो चल रहे हैं या नहीं। अगर वो एप्लीकेशंस क्लोज हो गए हैं, मतलब कि रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ये लीजिए, अब मैं स्विच करता हूँ और यहाँ पर आप चेक करते हैं, ये देखिए जितने भी बाकी के एप्लीकेशंस थे सारे के सारे बंद हो गए हैं, तो बस ये फेसबुक बचा है और ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ वो बचा है। दो एप्लीकेशन बचे हैं, बाकी जितने भी एप्लीकेशन थे सारे के सारे बंद हो गए हैं। तो ये जो रैम मैनेजमेंट है इस Realme One स्मार्टफोन 3GB वाला वेरिएंट पर बहुत ही बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे दूसरे लोग कह रहे हैं। अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है और सिस्टम उसे क्लोज कर देता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वो एप्लीकेशन कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ करता है जिसके कारण हो सकता है कि जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाए, तो जो सिस्टम है उसे टर्मिनेट कर देता है, मतलब कि क्लोज कर देता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये देखिए, मैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस को लोड कर रहा हूं और उन एप्लीकेशन को थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर रहा हूं। फेसबुक भी लोड हो गया है, ये देखिए, और अब मैं फिर से जो गेम है उसे प्ले करने की कोशिश करता हूं। ये है स्पॉटेड गेम, फिर से कुछ मैसेज आ गया, इसे मैं इग्नोर करता हूं। और ये देखिए, यहां पर मैं इसे प्ले करने की कोशिश करता हूं और थोड़ा सा प्ले करता हूं, उसके बाद में हम चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशंस को मैंने मिनिमाइज़ किया था, मतलब कि बैकग्राउंड में चल रहे हैं, क्या वो ये गेम प्ले के बाद चलेंगे या नहीं। ये गेम को मैंने कुछ देर खेला है, उसके बाद में चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो चल रहे हैं या नहीं। फिर से दो ही एप्लीकेशन है, एक तो गेम है और दूसरा फेसबुक। फेसबुक क्लोज़ क्यों नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसे मैंने लॉक किया हुआ है। ये जो बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उसे लॉक करने के लिए आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे ड्रैग कीजिए, ये देखिए लॉक हो गया है, इसे भी लॉक करता हूँ। दूसरा एप्लीकेशन है, अब ये देखिए ये भी लॉक हो गया है। कुछ ऐप्स को मैंने लॉक कर दिया है और जो एसपॉट 8 गेम है वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है। लेकिन जब कभी मैं एसपॉट 8 गेम रन करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि उस पर टैप करता हूँ, देख सकते हैं कि हर बार ये जो एप्लीकेशन है फिर से शुरू हो जाता है।
मतलब कि जहाँ पर मैंने गेम ख़त्म किया था वहाँ से कंटिन्यू नहीं होता है, फिर से मुझे गेम खेलना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशंस को मैंने लॉक किया था वो अब भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं। अगर मैं कोई एप्लीकेशन पर टैप करता हूँ तो हो सकता है कि वो जो एप्लीकेशन है रिस्टार्ट हो जाए। जो भी सिस्टम है वो एक जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं बनाया जाता है। अब बहुत सारे यूज़र्स हैं इंडिया में जो गेम्स नहीं खेलते हैं, और बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो एप्लीकेशन खोल तो देते हैं लेकिन कभी बंद नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही काम आता है ऐसे लोगों के लिए। अब तक आपको ये यकीन हो गया होगा कि इस हैंडसेट का जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है, और काफ़ी रिव्यूज़ ने ये कहा है कि इसका रैम मैनेजमेंट ख़राब है, 3GB का बहुत ही बेकार है और जो 6GB है उसका अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रहा है, गेम भी है, लेकिन जब मैं गेम रन करने की कोशिश करता हूँ तो रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो दूसरे रिव्यूज़ के शायद नज़र में नहीं आया या फिर शायद समझ में नहीं आया, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट है भाई। कुछ सेटिंग्स है उसे चेंज करना है, बहुत ही आसान है। सेटिंग्स में जाइए, ऐप मैनेजमेंट, ये देखिए ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पर टैप कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए वो जो एस्पॉल्ट गेम है वो आपको दिख जाएगा, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पर ये देखिए अलाउ ऑटो स्टार्टअप, इसे ऑफ़ कर दीजिए। और भी कुछ सेटिंग्स है, बहुत ही आसान है। ये जो सेटिंग है इसे करने के बाद आपका जो सिस्टम है उसे आप रिस्टार्ट कर दीजिए। ये लीजिए, इसे बंद कर देता हूँ और फिर इसे रिस्टार्ट कर दीजिए। तो रिस्टार्ट होने के बाद मैं वही सेम प्रोसेस को फॉलो करूँगा, मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशंस को मैं लोड करूँगा और जो गेम है एस्पॉल्टेड गेम उसे भी साथ में खेलूँगा और फिर चेक करते हैं कि क्या होता है। अब मैं गेम रन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए जैसे ही मैं गेम रन करना शुरू कर देता हूँ कोई भी गेम, तो ये मुझे दिख जाता है ओप्पो गेम एक्सेलरेशन। ये है क्या? अब ये क्या है वो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा स्लो मोशन किया हुआ है मैंने, और ये देखिए अब ये जो गेम है वो शुरू हो गया। अब ये देखिए ये जो मैसेज आ गया है, अगर आप इस मैसेज पर ध्यान दें तो इस पर कुछ लिखा हुआ है, उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये जो मॉड्यूल है ओप्पो गेम एक्सेलरेशन करता क्या है, मेमोरी को रिलीज करता है, जो भी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं उसे क्लोज कर देता है। तो नतीजा क्या होगा, आपका गेम जो है बहुत ही स्मूथली चलेगा। और जिन रिव्यूज़ को ये बात अब तक समझ में नहीं आई है वो कहेंगे कि जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है। इस गेम को मैं थोड़ी देर खेलता हूँ और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि जब मैं स्विच करूँगा तो क्या होगा। ये लीजिए मैंने गेम को खेल दिया है और अब जब मैं इसे स्विच करूँगा तो देखेंगे क्या होता है। एप्लीकेशंस जो है सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं। अब मैं आपको दूसरा सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये जो सेटिंग का ऑप्शन है उसमें सर्च मारिए गेम, और ये जो गेम एक्सेलरेशन है इसे ऑफ़ कर दीजिए। ये देखिए ये जो गेम एक्सेलरेशन है, गेम इंजन वही सेम चीज़ है, गेम एक्सेलरेशन उसे ऑफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर ऐप मैनेजर में गेम इंजन सपोर्ट इसे भी ऑफ़ कर दीजिए एस्पॉल्टेड गेम के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन उसे भी कर दीजिए। तो ये जो गेम एक्सेलरेशन है मैंने इसे ऑफ़ कर दिया है, ओवरऑल ऑफ़ कर दिया है सिस्टम में। और यहाँ पर सेटिंग्स में ही आपको डिटेल्स मिल जाता है कि ये जो गेम एक्सेलरेशन सिस्टम है ये करता क्या है, जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस हैं उसे क्लोज कर देता है जब कभी आप कोई नया गेम रन करते हैं। और ये जो ओप्पो गेम एक्सेलरेशन है ये ज़्यादा करके जब कभी आप कोई गेम लॉन्च करते हैं तो उसके साथ में एक्टिवेट होता है, मतलब कि अगर आपने 5 या 10 एप्लीकेशंस नॉर्मल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है और उसके बाद में आप एक गेम लॉन्च करते हैं तो ये जो 5 या 10 नॉर्मल एप्लीकेशंस जो आपने लॉन्च किया था गेम रन करने के पहले वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो ऐप्स है ये इसलिए क्लोज हो रहे हैं क्योंकि ये जो ओप्पो गेम एक्सेलरेशन का जो मॉड्यूल है वो इन एप्लीकेशंस को क्लोज कर रहा है, बैड रैम मैनेजमेंट के कारण नहीं। अब दूसरे रिव्यूज़ ने कहा है कि जो Realme 1 6GB वाला वेरिएंट है उस पर ऐसा इशू नहीं है, रैम मैनेजमेंट उस पर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर कुछ कारणवश उस पर भी आपको ये प्रॉब्लम आता है तो यही सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो अब तक मैंने 2 चेंजेस किए हैं जो आपने देख लिया है, और अब मैं कुछ एप्लीकेशंस को लोड किया है और ये जो एस्पॉल्टेड गेम है इसे मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ओप्पो गेम एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि उसे मैंने डिसेबल कर दिया है। इस गेम को मैं कुछ देर खेलने वाला हूं और उसके बाद में चेक करेंगे कि जो ऐप्स है बैकग्राउंड में वो रन हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो गेम है जहां पर मैं इसे छोड़ता हूं वहां से ये प्ले होता है या नहीं, मतलब कि ये जो ऐप है ये रिस्टार्ट होता है या नहीं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ।
इस गेम को खेलना मैंने शुरू कर दिया है। ये लीजिए, अब ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ये देखिए टाइम भी देख लीजिए, 6:47 PM। ये गेम को मैं थोड़ी देर खेलता हूँ और उसके बाद में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस गाड़ी को मैंने यहाँ पर रोक दिया है और स्विच कर देता हूँ। देखते हैं कि दूसरे एप्लीकेशन चल रहे हैं या नहीं। देखिए बाकी के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो काम कर रहे हैं। और फेसबुक पे अगर आप जाएं, ये देखिए यहाँ पर रियलमी का जो फ़ोटो है वो दिख रहा है, सारे के सारे एप्लीकेशंस एक्टिव हैं। ये देखिए फेसबुक पे जाते हैं, जहाँ पे मैंने फेसबुक को स्टॉप किया था वहीं पर है। फिर से चेंज कर देता हूँ, कहीं और पे जाके स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो फेसबुक है इसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ। ये लीजिए फिर से जाके मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। मैंने फेसबुक को थोड़ा सा उपयोग किया है और एक और एप्लीकेशन है उसमें भी थोड़ा सा मैं जाके उसे स्विच किया है। ये लीजिए फिर से मैं फेसबुक पे आ गया हूँ। तो ये सब करने के बाद ये देखिए एक और एप्लीकेशन को मैं लोड कर देता हूँ, गूगल कैलेंडर्स। ये लीजिए तो मैंने एक नया एप्लीकेशन को भी ऐड कर दिया है और काफ़ी बड़े बड़े एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। और अब मैं एसपॉट 8 का जो ऐप है उसमें जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज्यूम का ऑप्शन है, जहाँ पर मैंने गाड़ी को रोका था वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम बड़ी आसानी से चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, गेम खेलना, फिर से स्विच करना, दूसरे ऐप में जाना और जहाँ पर गेम को मैंने स्टॉप किया है वहीं से फिर से उस गेम को प्ले करना। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे क्रैश कर देता हूँ, ये देखिए क्रैश हो गया है। स्विच करता हूँ, दूसरे एप्लीकेशन में जाता हूँ या कोई नया एप्लीकेशन को खोल देता हूँ। तो जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं उसमें भी मैं जाके कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अब इसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। देखिए एसुस का जो पोस्ट है उस पर जाके मैंने छोड़ दिया है। ये एक दूसरा एप्लीकेशन है, इसे भी मैंने जस्ट खोल के छोड़ दिया। ये देखिए एसुस का पोस्ट है, ये ध्यान दीजिए। और अब फिर से एसपॉटेड गेम पर रिज्यूम, जहाँ पे मैंने गाड़ी को ठोका था वहाँ से फिर से कंटिन्यू हो गया है। तो ये वही हैंडसेट है रियलमी 1, जिसमें 3 GB रैम है और इसका रैम मैनेजमेंट बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे दूसरे लोग कह रहे हैं। टाइम है 6:53 PM। ये सारे एप्लीकेशंस और जो गेम्स है वो मेमोरी में है, ये देखिए यहाँ पर एक्टिव है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस हैंडसेट को साइड में रख देता हूँ, थोड़ी देर तक आइडल रख देता हूँ और उसके बाद में ये देखिए अब मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ। 5 मिनट के बाद मैं इस हैंडसेट को फिर से स्विच ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए वही सेम एप्लीकेशन रन हो रहा है। टाइम देखिए 6:58। ये देखिए गेम खेलने से पहले फेसबुक को खोल देते हैं, वही सेम जगह पर रुका हुआ है एसुस का जो मैंने आपको पहले बताया था। और अब गेम खेलते हैं, ये देखिए रिज्यूम, जहाँ पर गेम मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसे फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये है रियलमी 3 GB वाला वेरिएंट, रियलमी 1 3 GB वाला वेरिएंट, और इसमें कोई भी रैम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप गेम टाइप करेंगे तो यहाँ पर गेम एक्सेलरेशन का ऑप्शन है, उसे टैप कीजिए और ये जो गेम एक्सेलरेशन है इसे ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, अगर किसी रिव्यूअर ने इसे पढ़ लिया होता तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो गेम एक्सेलरेशन है ये सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उसे एलोकेट करता है, मतलब कि अगर कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें करता है, उनके बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब भी कुछ गेम्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, एसपॉल्ट 8 गेम भी एक्टिव है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो गेम एक्सेलरेशन है इसे इनेबल कर देता हूँ और अब मैं एक नया गेम को प्ले करने की कोशिश करता हूँ। ये है पबजी गेम, इसे मैं प्ले नहीं करूँगा। ये देखिए ओप्पो गेम एक्सेलरेशन, इस गेम से बाहर आता हूँ और ये देखिए बाकी के जितने भी एप्लीकेशंस थे, ऐप्स और जो एसपॉट 8 गेम था वो भी बंद हो गया है, मतलब कि रैम मैनेजमेंट बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे दूसरे रिव्यूअर्स कह रहे हैं। कैसा लगा सस्पेंस? सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। तो ये जो रियलमी 1 स्मार्टफोन है 3 GB वेरियंट वाला, इस पर कोई भी रैम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये वीडियो में समझा दिया है और बता भी दिया है। वैसे बेहतर होगा कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसे आप चेंज ना करें, लेकिन अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं और चाहते हैं कि जो ऐप्स हैं बैकग्राउंड में वो क्लोज ना हो या रिस्टार्ट ना हो, तो जो स्टेप्स मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में आप उसे फॉलो कर सकते हैं।
अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और देखते रहिए।